हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगले युगज बहुलक के बारे में। पहला आपको हमने पॉलीथीन के बारे में बताया था, जो दो प्रकार थे, अल्प घनत्व पॉलीथीन और उच्च घनत्व पॉलीथीन। आइए ख देखते हैं पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथीन के बारे में, जिसे टेफ्लान कहा जाता है। पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथीन अर्थात टेफ्लान। टेफ्लान टेट्रा फ्लोरोएथीन के टेफ्लान टेट्रा फ्लोरोएथीन को मुक्त मूलक अथवा पर सल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दाब पर गर्म करके उत्पादित किया जाता है। टेफ्लान को कैसे बनाया जाता है, तो टेट्रा फ्लोरोएथीन NCF2CH2 टेट्रा फ्लोरोएथीन को उत्प्रेरक और उच्च दाब पर, ठीक है, अभिक्रिया कराने पर जो है टेट्रा फ्लोरोएथीन आपस में जुड़कर टेफ्लान का निर्माण करते हैं। तो टेफ्लान टेट्रा फ्लोरोएथीन को मुक्त मूलक अथवा पर सल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दाब पर गर्म करके उत्पन्न किया जाता है। यह रासायनिक रूप से अक्रिय और संक्षारक अभिकर्मकों द्वारा आक्रमण के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। इसको तेल सेलों, ठीक है, इसको तेल सीलों अथवा गैस केटों को बनाने में और न चिपकने वाले सतह से लेपित बर्तनों में इसका उपयोग किया जाता है। टेफ्लान आवरण का 300 डिग्री सेल्सियस या अधिक ताप पर क्षरण हो जाता है, ठीक है। तो पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथीन टेफ्लान, टेफ्लान को कैसे बनाते हैं, तो आप देख रहे हैं टेफ्लान को टेट्रा फ्लोरोएथीन को मुक्त मूलक अथवा पर सल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दाब पर गर्म करके उत्पन्न किया जाता है। यह रासायनिक रूप से अक्रिय और संक्षारक अभिकर्मकों द्वारा आक्रमण के प्रति प्रतिरोधी होता है, ठीक है। टेफ्लान का आवरण जो है 300 डिग्री सेल्सियस या अधिक ताप पर क्षरण हो जाता है। इसको तेल सीलों गैस केटों को बनाने में और न चिपकने वाले अर्थात नॉन स्टिक सतह से लेपित बर्तनों को बनाने में इसका यूज किया जाता है। अगला जो है आपका पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल के बारे में। एक्रिलोनाइट्राइल के पराक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है, एक्रिलोनाइट्राइल के पराक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में योगज बहुलकन से पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल बनता है। तो यह आप देख रहे हैं एक्रिलोनाइट्राइल है, NCH2CSCN एक्रिलोनाइट्राइल है। इसका पराक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुलकन से पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल बनता है। एक्रिलिक जो है रेशे धब्बों रसायनों कीटों और कवक के प्रति अच्छे प्रतिरोधक होते हैं। एक्रिलिक रेशे जो होते हैं वे धब्बों रसायनों और कीटों कवक के प्रति अच्छे प्रतिरोधी होते हैं। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का उपयोग ऊन के प्रतिस्थापी के रूप में औद्योगिक रेशे और आरलान अथवा एक्रिलन बनाने में किया जाता है, ठीक है। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का उपयोग ऊन के प्रतिस्थापी के रूप में ऊन के जगह पे औद्योगिक रेशों जैसे आरलान अथवा एक्रिलन बनाने में किया जाता है। एक्रिलिक रेशे जो हैं धब्बों रसायनों कीटों और कवक के प्रति अच्छे प्रतिरोधक होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह था आपका कुछ महत्वपूर्ण योगज बहुलकों के विरचन के बारे में, जिसमें आपने पॉलीथीन के बारे में और पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन अर्थात टेफ्लान और पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल के बारे में जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग चर्चा करेंगे संघनन बहुलकन अथवा पदसह वृद्धि बहुलकन के बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।